नमस्कार, मैं हूं कविता राणा। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस और बीएचपी राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और साधु संतों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर जल्दी सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है तो राम मंदिर का भव्य निर्माण किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केस को लटकाते ही जा रहा है और इसी बात से नाराज आरएसएस नेता इंद्रेश ने खुले तौर पर राम मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार ठहराया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस, वामदलों और दो तीन जजों को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस, वाम और दो तीन जज उन गुनहगारों में हैं जो न्याय में देरी कर राम मंदिर के निर्माण में अड़चन डाल रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि आरएसएस की मांग है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार अध्यादेश लाए। हम मोदी सरकार से संसद में राम मंदिर निर्माण पर चर्चा कराने की अपील करते हैं। हमारा मानना है कि इस मसले पर जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। समूचे देश की भावना है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस देश के 125 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है कि वो राम जन्मभूमि मसले का समाधान निकाले। ये सिर्फ एक पार्टी या धर्म की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी के सहयोगी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी संगठनों को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाकर चुनाव में कुछ माइलेज ले लें, जिसे 2019 में सरकार बनाने में आसानी होगी। लेकिन देखते हैं जनता बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों को कितना आशीर्वाद देती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।